जापानी अखबार में देखिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक लेख छपा है, उसे लेकर आपको सबसे पहले जानकारी दे देते हैं। पीएम मोदी के ऑप एड में चीन को बड़ा संदेश दिया गया है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का शांतिपूर्ण होना दुनिया के लिए जरूरी है, ये इस लेख में लिखा गया। पीएम ने जापान को बताया है भारत का नेचुरल पार्टनर, हमारे बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध, ये भी इस लेख में मेंशन किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि प्रधानमंत्री ने ये लेख जापानीज लैंग्वेज में, वहां पर उनका ये लेख जापानीज लैंग्वेज में छपाया जापान के अखबारों में। तो आइए प्रधानमंत्री ने अपने इस लेख में क्या कहा और भारत और जापान के संबंधों को कैसा बताया, आपको ये बताते हैं। विशेष, रणनीतिक और वैश्विक, ये तीन शब्द भारत का जापान से रिश्तों को, भारत जापान के रिश्तों को बताते हैं कि भारत का जापान से रिश्ता कैसा है। भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं, ये उनके ऑपेड में उन्होंने लिखा। और उन्होंने कहा कि बोधि सेना से लेकर स्वामी विवेकानंद तक हमारे सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हमारा साझा उद्देश्य है, हमारी साझेदारी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए, यह कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात का सीएम था तब से मैं जापान के साथ के लोगों के साथ संपर्क में हूं और हमारा रिश्ते का भरोसा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में जापान की बेहद अहम मौजूदगी हमने देखी है और आधुनिक विकास के लिए जापान हमारा मजबूत पार्टनर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ, इन सब के लिए हम दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और दुनिया के लिए इंडो पैसिफिक रीजन का शांतिपूर्ण और समृद्ध होना जरूरी है, यह भी कहा उन्होंने। पूर्णिमा, जापानी अखबार में प्रधानमंत्री मोदी का ये लेख है राठौर सर, जिसकी एक एक डिटेल हमने बताई, लेकिन इससे पहले जब किशदा आए थे भारत और उस वक्त जो बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप्स का जिक्र किया, नेचुरल पार्टनर बताया। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अब जब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है तो कई कंपनीज के सीईओ से उनकी मुलाकात होगी। आज की तारीख में भारत के लिए इन्वेस्टमेंट उस लिहाज से और भारत और जापान के और प्रगाढ़ होते रिश्ते, खासतौर से आज के सिनारियों में जब अलग अलग हिस्सों में बढ़ती जा रही है दुनिया, अलग 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 फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं, ऐसे में जापान की इम्पोर्टेंस भारत के लिए कितनी ज़्यादा हो जाती है? जापान की इम्पोर्टेंस और भारत की इम्पोर्टेंस जापान के लिए बराबर है। आपने सही कहा कि जब जापानी प्रधानमंत्री भारत आए थे उन्होंने एक बहुत बड़े निवेश की घोषणा की थी और वो निवेश शुरू भी हो गया है। आज जो प्रधानमंत्री जापान के टॉप सीईओ से मिल रहे हैं वो उसी कड़ी के अंदर है। भारत और जापान दोनों प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि किस तरीके से आर्थिक विकास करके अपने देश के अंदर अपनी जनसंख्या को, पॉपुलेशन को समृद्ध बनाया जा सके। जैसा राठौर सर ने बताया, इकोनॉमी को बूस्टअप करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा काम है ही, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जापान पहुंचे ही हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी का। LAC पर टेंशन लगातार चीन बढ़ा रहा है और चीन को लगाम लगाने के लिए, चीन पर लगाम लगाने के लिए बताया जा रहा है बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार होगी। इस लिहाज से आप क्या महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या स्ट्रैटेजी तैयार की जा सकती है? देखिए, इंडिया चीन से इतना परेशान तो नहीं है कि बॉर्डर स्कर्मिशेस होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। इंडिया अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे इस समय जो चाइना को कंटेन करने की कोशिश की जाएगी वो इसलिए है क्योंकि चाइना इतना स्ट्रांग बन चुका है इंडस्ट्रियलिटी कि वो पूरा वर्ल्ड का फैक्ट्री बन चुका है, तो उसके लिए थोड़ी सी रोक लगानी पड़ेगी ताकि वो बाकी और देशों को, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सबको ना खा जाए। जी, तो ये वो स्ट्रैटेजी जो कि क्वाड की मीटिंग में तैयार होगी समीर, और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि चीन में इस वक्त बहुत टेंशन भी शी जिनपिंग के माथे पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, चीन भड़का हुआ है और लगातार एक के बाद एक नसीहतें देने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।